हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, इससे पीछे लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी। टुडेज टॉपिक इज़ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज़ जो इसमें समझनी है, देखो हर प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है ना। कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या जिनको हम लोग बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल हैं। तो वो कौन से होते हैं? ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। अब इस बात का क्या मतलब है भाई नॉन सिंगुलर का? तो आसान है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता है, ठीक है। सिंपल, जैसे एग्जांपल हम लें, मान लो 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया मैंने, इसका डिटरमिनेंट देखा, डिटरमिनेंट आया 4 माइनस 6, कितना 4 माइनस 6 यानी कि -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग इस वाले मैट्रिक्स को बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर है। ओके, नॉन सिंगुलर है तो इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल होगा, इसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। चलो, तो फिर मैंने बोला कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, या मैं सीधे बोलता हूँ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच डैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दिस मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। सही है, अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का है। ओके, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर वो भी सेम ऑर्डर का रहेगा, एन ऑर्डर का ही रहेगा, और ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग एक दूसरे का इन्वर्स बोलेंगे। ओके, ध्यान रहे एग्जिस्ट तभी करेगा इन्वर्स जब वो कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं मेरे पास दो मैट्रिक्स है, सब सॉरी मान लेते हैं मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक्स है और वाई है। फिर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स, मान लो ये दोनों बराबर आ गए, और अल्टीमेटली ये दोनों किसके बराबर आ गए? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गए। तो फिर हम बोलेंगे कि एक्स और वाई एक दूसरे के इनवर्स हैं, या इनवर्स का एक दूसरा नाम भी है, कई बार इसको हम लोग रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक। तो ये तो इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, क्या फॉर्मूला होगा इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए? तो ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ए पावर -1, और इसका फॉर्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये कहाँ से आया, अभी समझ आ जाएगा कहाँ से आया। तो एक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाले टॉपिक में पढ़ी थी, कौन सा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो होता ही है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करें, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ ए डिटर्मिनेंट से, डिवाइडिंग बाई डिटर्मिनेंट ए। यहीं आपको समझ आएगा कि डिवाइड ये तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो, क्योंकि जीरो से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे मिलेगा ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू व्हाट? आई एन, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर लेता हूँ प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, मुझे पता है ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई का मतलब
कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, तो ए इनवर्स मैंने पहले लिखा, फिर ए है, उसके बाद ये वाले स्टेप में देखना, सेकंड स्टेप में ये काम हो रहा है, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किया, बाकी तो जो है उसको ऐसे ही लिखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई हुआ, प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, पहले रखना है उसको। ये प्री पोस्ट का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो उसका ऑर्डर पे डिपेंड करता है वो पहले रख रहे हैं या बाद में रख रहे हैं ना। अच्छा, कम्यूटेटिव तो नहीं, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हमेशा होता है, तो अगर मैं ये पहले दोनों को एसोसिएट कर लूँ तो डेफिनेशन के हिसाब से दो मैट्रिसेस जो एक दूसरे के इनवर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी जब ये वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो उसके आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक, राइट हैंड साइड में ए इनवर्स आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्या डेफिनेशन है और क्या फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। आगे हम लोग दो तीन और मेथड पढ़ेंगे इनवर्स कैलकुलेट करने के, ठीक, बट उससे पहले हम लोग ज़रा इनवर्स के प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कुछ मैंने कोई 7-8 प्रॉपर्टी लिख रखी है। सबसे पहला है, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज़ दैट इट शुड बी नॉन सिंगुलर। इसकी तो बात हमने अभी अभी की, इसको फर्दर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नॉन सिंगुलर होगा तो वो सफिशेंट कंडीशन है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, और वो नेसेसरी भी है, जरूरी और पर्याप्त। दूसरा है, अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो और सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ फॉलो हुआ है, मैं पहले भी बात की थी कि जहाँ पर भी एक बार ट्रांसपोज अप्लाई हो जाए रिवर्सल लॉ वहाँ फॉलो होगा, तो इसलिए एडजॉइंट में भी रिवर्सल लॉ होता था, इनवर्स में भी, ठीक। ये तो दो के लिए हो गया, अगर मान लो ए इंटू बी इंटू सी, ये तीन मैट्रिसेस हैं, इसका इनवर्स लिखना है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसा करके, ठीक है। प्रूफ की बात अगर करें तो प्रूफ भी इसका सिंपल ही है, वो भी समझ लो, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी का इनवर्स है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो कोई कभी भी दो मैट्रिसेस को एक दूसरे का इनवर्स अगर प्रूफ करना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा एक्स इंटू वाई वो भी आइडेंटिटी के बराबर है और वाई इंटू एक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ये दो बातें, पहला दूसरा, ये दो बातें अगर हमने प्रूफ कर ली तो फिर ये प्रूफ हो जाता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ मुझे क्या करना है, ए इंटू बी और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इनको एक दूसरे का इनवर्स प्रूफ करना है। तो चलो मैंने लिखा ए इंटू बी, फिर मैंने लिखा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, तो देखते हैं आएगा या नहीं। देखो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये बीच वाले बी और बी इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो वो आइडेंटिटी बन गया, आखिरी में क्या बचा ए इनवर्स, फिर ये ए इंटू ए इनवर्स हो गया और ये आइडेंटिटी बन गया। ऐसे ही बी इनवर्स ए इनवर्स को पहले लिखते और ए इंटू बी को बाद में लिखते तो ये बीच वाला आइडेंटिटी बन जाता और फिर अल्टीमेटली बी इनवर्स इंटू बी भी क्या बन जाता, आइडेंटिटी, ठीक है। तो बस ये प्रूफ हो गया रिवर्सल लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दो बार इन्वर्स लेंगे तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, ए इन्वर्स का एक बार और इन्वर्स बराबर ए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है जैसे मेरे पास लिखा है मान लो ए पावर फोर का इन्वर्स, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इन्वर्स का पावर फोर, ठीक, तो वही मैंने लिखा है ए टू द पावर के का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का पावर के, जहाँ पर के कोई नेचुरल नंबर है, ठीक। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें
तो ए पावर के का मतलब ए इंटू ए इंटू ए, ये कितनी बार के टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसका होल का इनवर्स है। अभी अभी हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी प्रूफ की, ठीक है ना। मतलब पीछे से लिखते जाना है, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स कितनी बार आएगा, ए इनवर्स के बार आएगा ये भी, के टाइम्स, तो यही हो गया ए इनवर्स का पावर के। ठीक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स और सॉरी ए का ट्रांसपोज और ए दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उसके ट्रांसपोज का भी नॉन जीरो होगा, तो इन्वर्टिबल तो हो ही गया। इन्वर्टिबल तो हो गया, बट उसके आगे एक और चीज़ लिखी है, ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज और इन्वर्स एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। ओके, इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग? देखो, मैंने लिखा ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी। ठीक, ये तो होता ही है, कोई भी मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो मुझे ट्रांसपोज प्रूफ करना है, तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है ना, टेकिंग ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ होता है, ये हमें पता है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले लिखा और ए का ट्रांसपोज बाद में हो गया, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो वही रहेगा। ठीक, अच्छा, ए इन्वर्टिबल था तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल है। तो फिर अगर इसमें मैंने ए ट्रांसपोज के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देखो क्या हुआ है, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके आइडेंटिटी बना दिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में रह गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड में आ गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स। प्रूफ हो गया, सिंपल। याद कैसे रखना है, ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें भी ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी पावर, नेचुरल पावर और इनवर्स, वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लॉ के ऊपर है। जब हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़े थे कि अगर ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी लिखा हुआ है, तो हम लोग ए और ए को ऐसा कैंसिल करके बी बराबर सी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा बोल भी सकते हैं, वो कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं अभी। ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, बी इक्वल टू सी इम्प्लाई करेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो पता ही है किसको बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया वो देख लेते हैं एक बार। ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी में अगर हमने ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं क्या, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है, तो ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी ऑलरेडी गिवन है। अब मैंने क्या किया, उसमें ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई करते ही ए इनवर्स और ए कम्बाइन होकर आइडेंटिटी बन गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बचता है, बी बराबर सी। ऐसे ही दूसरे में अगर ए बाद में लिखा हुआ है, बी इंटू ए बराबर सी इंटू ए, तो ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन हुआ है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोल सकते हैं। सेकंड वाले को बोल सकते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, कैंसल कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई बराबर एक्स इंटू जेड लिखा है, वी कैन कैंसल आउट एक्स, बट ओनली व्हेन एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है तब, तो। ठीक, ये हो गया सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेवेंथ क्या है। कुछ हमने स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिसेस के कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़े थे, आइडेंपोटेंट क्या होता है, इन्वोलंटरी क्या होता है, निलपोटेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टी उसके बेसिस पे है,
सेवेंथ प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट मैंने नोट किया है, नील पोटेंट मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होता है। बहुत ही एविडेंट है ये, क्यों? क्योंकि नील पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? जीरो। तो जब डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर नहीं है, वो सिंगुलर हो गया। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन अगर तुम्हें याद हो, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ऑर्थोगोनल होगा। और फिर वहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो वो प्लस माइनस वन के इक्वल आता है। तो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर वन है तो वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा। सही है, तो ये प्रॉपर्टी है कि ऑर्थोगोनल इन्वर्टिबल होगा। अब उसका इन्वर्स क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। ए इंटू ए इन्वर्स, सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी लिख रखा है। ठीक, ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्री मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया, फिर ये दोनों कंबाइन होकर आइडेंटिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रांसपोज रह गया, राइट हैंड साइड में इन्वर्स। क्या पता चला? कि जो ट्रांसपोज है वही इन्वर्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल है, और उसका इन्वर्स किसके बराबर आता है? ट्रांसपोज के इक्वल आता है। थर्ड है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। जिस प्रकार ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स भी हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो इनवॉलंटरी का डेफिनेशन ए स्क्वायर बराबर आई, तो वहाँ से जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे ए का, तो वो अगेन कितना आएगा? प्लस माइनस वन। तो चाहे प्लस वन हो या माइनस वन हो, नॉन सिंगुलर तो हो ही गया ना, तो नॉन सिंगुलर हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया। ठीक, अब इन्वर्टिबल हो गया तो इनवर्स क्या होगा, ज़रा इसकी बात कर लीजिए। ए स्क्वायर बराबर आई है, हमने क्या करा? प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स का। प्री भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए इनवर्स और स्क्वायर का ए के यहाँ से कंबाइन होकर आई बन जाएगा, फिर ए के बचेगा दूसरी साइड में ए इनवर्स। तो फाइनली क्या मिला? ए बराबर ए इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ? कि इनवॉलंटरी मैट्रिक्स खुद ही अपने आप का इनवर्स है। ए इनवर्स बराबर क्या आया? ए। तो अगर कोई इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स लिख रखा है तो वो अपने आप का ही इन्वर्स हो गया। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल नहीं होंगे, ये नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए, ये डेफिनेशन है। अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट इसका जीरो या वन आता है। ठीक है ना, तो अगर जीरो हो गया डिटर्मिनेंट तो फिर तो वो सिंगुलर हो गया, इन्वर्टिबल नहीं हुआ। लेकिन अगर वन हुआ तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो वी कैन नॉट से कि ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका इन्वर्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ऐसे प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है यहाँ पे कि अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक, कैसे होगा? देखो भैया, बड़ा आसान है। ए स्क्वायर बराबर ए, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स। चलो मैं प्री कर लेता हूँ। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स और ए कम्बाइन होकर क्या बना दिए? आइडेंटिटी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया? एक मिनट, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, बस ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? आई। सही है, और यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लिया, तो यहाँ से ए ए बराबर कितना आ गया? आइडेंटिटी।
और ए बराबर आइडेंटिटी हो गया तो फिर उसका इन्वर्स भी आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, गुड। आठवीं प्रॉपर्टी क्या है? आठवीं प्रॉपर्टी है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्यों हो गया ये? हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी। अब मुझे डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है तो दोनों साइड में डिटर्मिनेंट कंसिडर करो, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर आई का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? वन। बस यहीं से डिवाइड कर दो ए डिटर्मिनेंट के साथ, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए आ गया। ठीक है ना, ऐसे बोला जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर फाइव है। ओके, सही। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पाँच के बराबर है तो उसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बताओ, तो वो कितना हो गया? एक बटे पाँच हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इसका प्रूफ हो गया, बाकी तुम्हें याद रखना है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अभी तक हमने पढ़ा इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्या डेफिनेशन है, क्या फार्मूला है उसको कैलकुलेट करने का, और उसके साथ आठ प्रॉपर्टीज़। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। एक मैट्रिक्स दे रखा है, बता रहे हैं कि ये इन्वर्टिबल है। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो अब इसलिए कैसा रहा होगा? नॉन सिंगुलर रहा होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे में हमसे अल्फ़ा का वैल्यू पूछा गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे। बस ये लिख लिया मैंने, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, सॉल्व कर लिया। एक्सपेंशन फ्रॉम फर्स्ट रो, वन इंटू वन माइनस जीरो, माइनस जीरो इंटू समथिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस अल्फ़ा इंटू जीरो माइनस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मिलता है इधर से? वन प्लस अल्फा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट लिखा है। मतलब अल्फ़ा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये वाली बात सही है। कोई भी रियल वैल्यू अल्फ़ा का लो, अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और जब उसमें प्लस वन करेंगे तो ऑब्वियसली वो जीरो के इक्वल तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक, तो पहले का आंसर हो गया अल्फ़ा बिलोंग्स टू एनी रियल। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड छोड़ो, पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, टू क्रॉस टू का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हमें इसका इन्वर्स लिखना है। ठीक, जब भी इन्वर्स पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि उसका डिटर्मिनेंट कितना है, क्या वो इन्वर्टिबल है भी या नहीं। तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट चेक किया, फोर माइनस सिक्स, क्या आंसर आया? माइनस टू। जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है। ठीक, तो अब इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन्वर्स के लिए फार्मूला, क्या फार्मूला होता है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें दो बातें चाहिए, एक तो उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा उसका एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने अभी अभी कैलकुलेट करा कितना है, वो माइनस टू के इक्वल है। एडजॉइंट और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट तो आई होप तुम्हें याद होगा, अगर मैं लिखूँ एडजॉइंट ऑफ एक्स टू क्रॉस टू के लिए तो बड़ा सिंपल है। कैसे करते हैं? डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, फोर वन हो गया, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस थ्री माइनस टू, ये एडजॉइंट हो गया। तो एडजॉइंट लिख दिया मैंने फोर माइनस थ्री माइनस टू एंड वन, और इसको डिवाइड करा कितने से? माइनस टू के साथ। माइनस टू के साथ डिवाइड करने का मतलब कि माइनस वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करना, सही है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया, तुम्हारी मर्जी है। ये जो माइनस वन बाई टू स्केलर है इसको तुम चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई भी करके रख सकते हो,
या ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो ये आंसर हो गया। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू थिंग्स, वन इज एडजॉइंट द अदर इज डिटर्मिनेंट। ओके, 3x3 का एग्जांपल देख लिया जाए। 3x3 का मैट्रिक्स है, हमसे पूछा है इसका इनवर्स बताओ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। या अगर तुम सोचो प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करो, मान लो R3 बिकम R3 माइनस R1 कर लो, ठीक है ना, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 1, 2 1 3, और यहाँ 0 2 0। फिर अगर हम थर्ड रो से एक्सपेंड करें तो साइन स्कीम चलता है प्लस माइनस प्लस ऐसे, तो माइनस टू के साथ 3 माइनस 2 यानी कि माइनस टू इसका डिटर्मिनेंट आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्टिबल। इनवर्टिबल है। अच्छा, अब है तो फिर तो एडजॉइंट चाहिए होगा ना इसका, तो एडजॉइंट के लिए 3x3 में एक शॉर्टकट आपको बताया गया था। कैसे शॉर्टकट? ये था कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप लिखें, फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट कर दें, फिर फर्स्ट एंड सेकंड रो को भी नीचे रिपीट कर देना है, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 2 1 3 2 1। फिर यहाँ से पहला रो और पहला कॉलम ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस उसके बाद जैसे 2x2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है वैसे कैलकुलेट करके लिखते रहो, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1। ध्यान रहे, थोड़ा उल्टा लिखना है यहाँ पे, है ना। अगर हम रो वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जब लिखेंगे एडजॉइंट के अंदर कॉलम वाइज, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ट्रांसपोज करना होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। फिर आया इधर 2 माइनस 1 इज 1, आगे मैं लिख दे रहा हूँ तुम करना खुद ही, 1 प्लस 1, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, एंड 1 प्लस 2 इज 3। ये हो गया एडजॉइंट हमारा। ठीक, एडजॉइंट भी है डिटर्मिनेंट भी है, तो बस फॉर्मूला लगा लो, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट दैट इज -2 2 -4 1 0 -1 1 -2 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके।